उधर साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत 2 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इसी हवाले से तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के रिश्तेदार ने जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और कॉज लिस्ट में 2 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे, क्योंकि इससे कब जमानत दरख्वास्त जब दायर हुई थी तो उस हवाले से दरख्वास्त पर फैसला हुआ था कि आया के इस दरख्वास्त पर जो समाअत है वो इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में सुनी जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज अदालत की जानिब से वो फैसला भी सुना दिया गया था और आज उसका तहरीरी फैसला भी जारी हुआ था। अब ओपन कोर्ट में ये समाअत होने जा रही है, लेकिन अदालत ने साथ में ये भी हदायत जारी की कि अगर प्रोसिक्यूशन को इस मामले पर अगर एतराजात हैं तो वो इन कैमरा की अलग से दरख्वास्त दायर इन कैमरा की अलग से दरख्वास्त देना होगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस।